नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल DSS न्यूज, जहां हम लाते रहते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हर न्यूज हर घंटे। दोस्तों, ताजा खबर निकल के आ रही है भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां पे एक व्यापारी से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जी हां दोस्तों, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ब्लैकमेलर ने अपने आप को नीरज बवाना का गैंग मेंबर बताया है। अब अगर आप नहीं जानते कि नीरज बवाना कौन है, तो दोस्तों नीरज बवाना दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, जो कि आज से कुछ 6 साल पहले गिरफ्तार हो गया था। फिलहाल गैंगस्टर नीरज बवाना को तिहाड़ जेल में रखा गया। दोस्तों, जिस व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है, वो एक ज्वेलरी शॉप का मालिक बताया जा रहा है। धमकी देने वाले ने अपने आप को नीरज बवाना का गैंग मेंबर बताते हुए उसे 2 दिन का समय दिया था, जिसके चलते उस व्यापारी ने तुरंत ही चांदनी चौक में स्थित एक पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई चालू कर दी थी। सूत्रों की माने तो पुलिस ने भी इस बात की संतुष्टि करी है कि ब्लैकमेलर या फिर रंगदारी मांगने वाला नीरज बवाना की गैंग का ही मेंबर है। दोस्तों, पुलिस अथॉरिटीज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जहां पे वो व्हाइट हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की मदद लेते हुए उस फोन नंबर का पता ढूंढने की कोशिश कर रही है, ताकि उस नंबर की मदद से वो उस ब्लैकमेलर की लोकेशन ट्रैक कर सकें। उम्मीद करते हैं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए।